हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम फिर मिले हैं एक नए वीडियो के साथ, लेकिन अभी हमारा चल तो फर्स्ट लेसन ही रहा है, वर्क लाइवलीहुड एंड करियर। इसका 8वां भाग है। पहले वाले 7 हम कर चुके हैं, और अगर आपने ना देखे हो तो नीचे प्लेलिस्ट में देख लेना। तो आज हम इस वर्क लाइवलीहुड एंड करियर में क्या करने जा रहे हैं, कितना लंबा है ये, क्या ये ख़त्म नहीं होगा। जब आप काम करने जाते हैं तो इतनी समस्याएं और इतनी चीज़ें आती हैं कि ये ख़त्म होना बहुत मुश्किल है, ये चलता रहेगा। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, एटीट्यूड्स एंड अप्रोचेस टू वर्क जो हमने पिछले बार स्टार्ट किया था, ये उसी का कंटिन्यूएशन है, उसी का पार्ट 2 है। लेकिन इसमें हमें पढ़ना क्या है, इसमें हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और क्योंकि वो टॉपिक्स बहुत सारे हैं तो हमारी कोशिश क्या है कि हम बस उनकी डेफिनेशंस लें, हम उनमें से किसी की भी डिटेल्स नहीं करेंगे, वरना ये लेसन बहुत लंबा हो जाएगा। हम उनको बस डिफाइन करके शॉर्ट में करके छोड़ देंगे, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में MCQs भी आते हैं, वन मार्कर्स भी आते हैं, और वो कहीं से भी आ सकते हैं। तो इसलिए हम इन्हें शॉर्ट में कवर कर लेंगे कि कल को अगर आपके पेपर में आए तो आप इनको अटेम्प्ट कर पाएँ। ओके, तो कौन कौन सी डेफिनेशन और कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी है। वर्क एथिक्स एंड डिग्निटी ऑफ लेबर, मतलब काम, नैतिकता और श्रम की गरिमा। परफॉर्मेंस, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, प्रदर्शन, रचनात्मकता और नवाचार। जॉब सेटिस्फैक्शन, कार्य संतुष्टि, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। टाइम मैनेजमेंट और मल्टीटास्किंग, समय की व्यवस्था और एक समय में एक से ज़्यादा काम करें। हम शुरू करते हैं सबसे पहले वर्क एथिक्स एंड डिग्निटी ऑफ लेबर, काम, नैतिकता और श्रम की गरिमा। श्रम की गरिमा से हमें क्या मतलब समझ, यहाँ मैंने 2 पिक्चर्स लगाई हैं, क्या आपको पता है कौन कौन है। इनको तो आप जानते होंगे, ये तो महात्मा गांधी हैं, और पर ऊपर वाले अब्राहम लिंकन हैं, ये अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, लेकिन ये भी बहुत गरीब परिवार के थे। तो इन्हीं से हम काम, नैतिकता और श्रम की गरिमा, ये हमारे रोल मॉडल्स होने चाहिए। काम, इसको हम बहुत समय से डिस्कस करते चले आ रहे हैं, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगी। कोई भी पेमेंट वाला या बिना पेमेंट वाला काम जो हम करते हैं वो है कार्य, हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। एथिक्स, एथिक्स क्या होते हैं, द रूल्स और स्टैंडर्ड्स गवर्निंग द कंडक्ट ऑफ अ पर्सन। किसी भी व्यक्ति के जो उसका व्यवहार है अपने काम वाली जगह पर, उसके रूल और जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसके जो नियम हैं, उनको फॉलो करना। हमें एक अब जैसे हमें अपने कुलीग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए या नहीं। वर्क प्लेस वैल्यूज़ एंड एथिक्स, अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो हमारा समय, पैसे, इन सब की बचत होती है, और जो हमारा एम्प्लॉई है, जिसने हमें नौकरी पे रखा है, उसका हमारे ऊपर विश्वास बढ़ता है, क्योंकि वो ये समझता है कि हम काम को पूरी नैतिकता से करेंगे, अपना गलत नहीं करेंगे हम काम में कुछ। डिग्निटी ऑफ लेबर, ये बहुत ज़रूरी है, इसका मतलब मेक्स दैट द पर्सन टेक्स प्राइड इन वॉट एवर ही डज। हम जो भी काम करें, कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं है, हम ये सुनते चले आ रहे हैं, तो हम जो भी काम करें उसको सबसे अच्छा करें, और ये सोच के करें कि ये काम भी उतना ही ज़रूरी है जितना कोई भी और काम था। तो अब्राहम लिंकन, ये एक किसान के बेटे थे, इनके पास बिल्कुल ही पैसे नहीं थे, और ये यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बने। महात्मा गांधी, ये एक एग्ज़ाम्पल हैं, ये हमेशा अपने टॉयलेट्स तक खुद साफ़ करते थे, जबकि ये किसी से भी करवा सकते थे। तो कोई भी काम छोटा नहीं है, हर काम हमें नैतिकता से और उसे अच्छा से। यही करना चाहिए। अब हम आते हैं परफॉर्मेंस, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, प्रदर्शन, रचनात्मकता और नवाचार। परफॉर्मेंस, एकम्प्लिशमेंट ऑफ अ गिवन टास्क। जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसको हम
जो नॉर्मल जनता कर रही है उससे अच्छा कर रहे हैं या उससे खराब। मान लीजिए आपने अपने स्कूल में या क्लास में ही कोई सबमिशन दिया, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें गुड मिलेगा, कुछ को नहीं मिलता, तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी है? अगर आपका बाकियों से अच्छा है तो परफॉर्मेंस अच्छी है, बाकियों से खराब है तो वो खराब है। क्रिएटिविटी इन इंडिविजुअल्स ये कैसे होती है? मोटिवेशन और पैशन, अगर हमें कुछ करने की इच्छा है, हमारे अंदर बिल्कुल पैशन है, हम कुछ भी सीखने के लिए किसी भी तरह से उसे करने के लिए तैयार हैं, तो हम नई नई चीज़ें ढूंढेंगे और उसे करेंगे। क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स जो हैं ये आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब जो चलता चला आ रहा है ढर्रा, हम उससे अलग कुछ करना चाहते हैं और उससे अलग करने के लिए हम नई नई चीज़ें सोचते हैं और उन आइडियाज़ को यूज़ करना चाहते हैं। और जब हम उन आइडियाज़ को यूज़ कर लेते हैं तो क्या होता है? इनोवेशन हो जाता है जब हमारी क्रिएटिविटी रिजल्ट देती है। तो ये क्या है? रिन्यूअल और ऑल्टरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जो भी कुछ बना हुआ है हम उसे बदल के अच्छे फॉर्म में करते हैं। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, आपके घर में न्यूज़पेपर्स हैं, हमने उन सबको गीला किया और पेपर मैशे से एक अच्छा सा वास बना दिया। घर में कोई बेकार सा हमारे पास मटका पड़ा है, हमने उसे पेंट करके एक डेकोरेशन का पीस बना दिया। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, कोरोना में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप देखो रेलवे की जो कोचेज हैं उनको किस तरह से मॉडिफाई कर दिया कि उनको एक आइसोलेशन सेंटर या क्वारंटाइन सेंटर की तरह इस्तेमाल करेंगे, भी तो एक इनोवेशन है। ये क्रिएटिविटी थी, उन्होंने कुछ अलग सोचा और उसके बाद उसे लागू कर दिया। तो इनोवेशन क्या है? 1% इनोवेशन एंड 99% परस्पिरेशन, मतलब इसमें सिर्फ 1% आइडिया का कमाल है, जो 99% है ये हमारी हिम्मत है और उस आइडिया पे इतना विश्वास और उस पे इतनी मेहनत है। अब इस क्रिएटिविटी को कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बढ़ाती हैं और कुछ घटाती हैं। जो बढ़ाने वाली चीज़ें हैं वो हमें खुश करती हैं और जो घटाने वाली चीज़ें हैं वो हमें परेशान करती हैं। कौन सी चीज़ें बढ़ाती हैं? फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस, हमें मौका मिले उन एक्सपीरियंसेस को लेने का। बहुत सारे हम नए नए गेम्स खेलते हैं और गेम्स को खेल के भी हमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लीडरशिप आती है। कई लोग चीटिंग करते हैं, चीटिंग करना भी आता है, पजल्स को सॉल्व करके आता है। हमारी हॉबीज़ हों अगर, तभी तो हम अपनी हॉबी में कुछ कुछ नया करेंगे। डांस में ही देख लो, अगर आपको डांस अच्छा लगता है तो उसमें कितने क्रिएटिव डांसेस करेंगे। फाइन आर्ट्स, अगर आपको आर्ट अच्छा लगता है वो भी आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। नई नई चीज़ें करना, पढ़ना लिखना, ये तो हमेशा आपको नई चीज़ें सिखाएगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब किसी भी चीज़ के बारे में आपको जितनी चीज़ें ध्यान में आ रही हैं उन सबको सोचो और उसके बाद तय करो। अपने जो सेंसेस हैं, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 सेंसेस हैं, उनको शार्प करो, सब चीज़ों को ऑब्जर्व करो, सवाल पूछो, सवाल पूछ के सोचो और इमेजिन और करो और सपने देखो। जब सपने देखोगे तभी तो वो पूरे होंगे, सपना ही नहीं देखेंगे तो वो पूरा कैसे होगा। कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे को क्रिएटिव कम बनाती हैं? अपने बारे में अच्छा ना सोचना, डिस्करेज रहना, नेगेटिव सोचना, अपने ऊपर विश्वास ना होना, फेल हो जाने का डर होना, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा डर तो यही है कि लोग क्या कहेंगे। अपने आप पे विश्वास ही ना होना कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मेहनत करने की इच्छा ना होना, चीज़ों को पे गौर ही ना करना, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। बीइंग जजमेंटल, मतलब पहले ही सोच लेना ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत है, ये मैं नहीं करूँगी बिना सोचे। पैसिविटी, मतलब हम झुंड का ही हिस्सा बन के ठीक है, हमें अलग नहीं बनना। और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होना, आपको कोई करने ही नहीं देता, आपके पास है तो कैपेबिलिटी पर कोई करने नहीं देता। जॉब सेटिस्फैक्शन या कार्य संतुष्टि, इसके बारे में हमने पहले भी किया था। जॉब सेटिस्फैक्शन इज मोर एन एटीट्यूड एन इंटरनल स्टेट एसोसिएटेड विद अ पर्सनल फीलिंग ऑफ अचीवमेंट। जब मैं खुद ये सोचती हूँ, अपने काम से संतुष्ट होती हूँ, हाँ मैंने बहुत अच्छा काम किया है, वो है जॉब सेटिस्फैक्शन। मुझे काम करके अगर खुशी मिल रही है, मेरे को हो सकता है कोई पैसे ना मिल रहे हों, लेकिन फिर भी ये जॉब सेटिस्फैक्शन या कार्य संतुष्टि है।
ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है। किसी के लिए 70 नंबर आ गए अगर, तो बहुत खुश होता है, वाह मेरे तो 70 आ गए यार, मेरे तो 50 की उम्मीद थी 70 आ गए। और किसी के 90 आने की उम्मीद थी और उसके 70 आए हैं, तो वो 2 दिन तक घर से नहीं निकलता। रिकग्निशन, वेराइटी इन स्किल्स, पर्सनल आइडेंटिटी, अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम, इंटरडिपेंडेंस एंड अपॉर्चुनिटीज़, ये सब चीज़ें हैं जो हमारे कार्य की संतुष्टि या जॉब सेटिस्फैक्शन को बढ़ाती है। रिकग्निशन, लोग अगर हमें पहचाने, हमारी स्किल्स को पहचाने, हमारी एक पहचान बने, हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, हम कहीं पर पहुंच पाएँ, हम कुछ पाना चाहते हैं, हमें जिम्मेदारी मिलेगी तभी तो हम संतुष्टि लेंगे। हमें आज़ादी भी होनी चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसे अपने मन से कर पाएँ और आगे बढ़ने के मौके। एम्प्लॉयर जो है, जहाँ पर हम नौकरी कर रहे हैं, वो हमारे को जॉब सेटिस्फैक्शन कैसे दे सकता है? हमें आगे बढ़ने के मौके दे, हमें अपने डिसीजंस लेने दे, हमें ट्रेन करे अगर हम में कोई कमी है, और अगर हम कुछ अच्छा करें तो हमारी तारीफ करें। इसका बेनिफिट क्या है? एम्प्लॉयर के लिए क्या बेनिफिट है? अगर मैं खुश होंगी तो काम अच्छे से करूँगी, नतीजा अच्छा आएगा। मान लो मैं मार्केटिंग की हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर काम करना, और हर बार किसी को कुछ बेच के मुझे 100 रुपये मिलते, मैं पूरे मन से उसे बेचूँगी। और एम्प्लॉय के लिए क्या फ़ायदा है? अगर वो कुछ अच्छा करता है तो उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता है और वो ये सोचता है मैं इस काम को अच्छा कर सकता हूँ। अब हम आते प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता। ये क्या होती है? ये मैंने आपको पहले भी बताया है, एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज सच एज लेबर, कैपिटल, लैंड, मटीरियल, इंफॉर्मेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब क्या है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो ज़मीन हो, हमारी ताकत हो, कितने लोग हमारे पास हैं, हमारे पास सामान है या नहीं, इन सब चीज़ों को लेने के बाद मेरा फ़ायदा कितना हुआ, मैंने कितनी चीज़ें बनाई, ये आता है प्रोडक्टिविटी। हो सकता है 2 लोग बराबर तनख्वाह लाते हो घर के अंदर, लेकिन उस तनख्वाह को एक ऐसे खर्च करता है कि उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं और दूसरे की नहीं होती, ये भी एक प्रोडक्टिविटी है घर के लेवल पर। ऐसे ही ऑफिस में है। ये कैसे मेजर करेंगे हम? इसे हम 2 तरह से मेजर करते हैं, एक एफिशिएंसी से और एक एफेक्टिवनेस, मतलब हमारे जो रिसोर्सेज हैं हमने उन्हें कितने अच्छे से यूज़ किया। अगर हमारी ज़मीन है तो हमने उसे कैसे इस्तेमाल किया कि हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिले। एफेक्टिवनेस कि व्हाट इज़ अचीव्ड कंपेयर टू व्हाट, और मैंने जो फ़ायदा मिला है क्या मैं इसको और अच्छा कर सकती हूँ, कोई ऑप्शन है जिससे कि जिस तरह से हमने अपने रिसोर्स का इस्तेमाल किया वो और अच्छा हो जाए। तो इस तरह से हमें संसाधनों का ऐसा उपयोग करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ले पाएं। अगर हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, हम कम चीज़ें इस्तेमाल करके ज़्यादा चीज़ें बना पाएंगे, तो हमारे देश का और हमारा दोनों का स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ेगा, इन्फ्लेशन कम होगा, चीज़ें सस्ती होंगी, और जो हमारा नुकसान होता है, नौकरियाँ नहीं मिलती, बेरोज़गारी है, ये कम होंगी। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, कम चीज़ें लो और ज़्यादा का प्रोडक्शन कर दो। तो इनको बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? एजुकेशन और ट्रेनिंग, बिल्कुल सिंपल है, लोगों को पढ़ाना और उनको ट्रेन करना। दूसरा, सबको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना कि हाँ वो ये कर सकते हैं। मोटिवेशन, उनमें ये विश्वास दिलाना कि हाँ वो ये कर सकते हैं। रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव, अगर वो अच्छा करते हैं तो उन्हें उसका रिवॉर्ड या अवार्ड ज़रूर मिलना चाहिए, चाहे वो फ़ायदा हो पैसे से, या आप उनकी तारीफ़ करें, या उनको प्रमोशन दें, आगे बढ़ाएं, ये है उसमें। ये जो है सिर्फ यही मतलब नहीं है कि चीज़ों को बेहतर करना, इसका मतलब है सही जगह पर सही काम करना और सही तरह से इम्प्रूव करना। इसमें और क्या आता है? जॉब में सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसको हेल्थ सिक्योरिटी होनी चाहिए, मतलब अगर मैं बीमार हो जाऊँ इंश्योरेंस की सुविधा है। जिन तरीक़ों से मैं काम कर रहा हूँ, मान लो टेक्नोलॉजी बहुत नई आ गई, मैं खेती कर रही हूँ, टेक्नोलॉजी नई आ गई तो मेरे पास वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ना, और दुनिया में क्या हो रहा है कम्युनिकेशन से मुझे पता भी होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट और मल्टीटास्किंग, मतलब समय प्रबंधन और बहु कार्य। टाइम मैनेजमेंट, अभी हमने सामान की व्यवस्था पढ़ी थी प्रोडक्टिविटी में कि हम अपने संसाधनों का कितना अच्छा उपयोग करते हैं, यहाँ पर आता है टाइम मैनेजमेंट, टाइम का हम कितना अच्छा उपयोग करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि हम छुट्टियों में बैठे हैं, लॉकडाउन है, हम कहीं नहीं जा सकते, तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसको सीखें, नई नई चीज़ें करें, तो एक टाइम मैनेजमेंट है इस टाइम को वेस्ट करने की बजाय। तो टाइम मैनेजमेंट क्या है? इट इज़ द यूसेज ऑफ टाइम टू परफॉर्म मैक्सिमम टास्क विद इन मिनिमम टाइम, हम मिनिमम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लें, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज, समय एक ऐसी संसाधन है, एक ऐसा रिसोर्स है जो कभी वापस नहीं आ सकता, जो
जो चला गया वो चला गया, तो इसलिए ये सबसे वैल्यूएबल है क्योंकि ये वापस नहीं आ सकता। इसमें हमें क्या करना होता है, अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है कि हमारे लिए कौन सा काम ज़रूरी है। अब आप घर में हो इस समय, घर पर आपके लिए कौन सा काम ज़रूरी है, पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, खाना बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, घूमने जाना ज़्यादा ज़रूरी है, फ्रेंड से बात करना ज़्यादा ज़रूरी है, ये किसे तय करना है। तो हमें, हमने पढ़ा था, हमें रेस्ट भी करना है, वर्क भी करना है और रिक्रिएशन भी करना है, मनोरंजन भी करना है। और जो हमारी ऐसी आदतें हमें लग रहा है कि हमारी टाइम वेस्ट होती है, उन्हें बदलना भी है। मान लो आपको टीवी देखने की आदत है, आपको एक दो सीरियल ज़रूर देखने हैं, तो जब आप सीरियल देख रहे हो तो आप उसके साथ में कोई काम लेके बैठ जाओ, आपका वो काम उसी टाइम में हो जाएगा और आपका जो बाकी समय है वो बच जाएगा, आप उसको किसी और काम में यूज़ कर लेना। तो अच्छे टाइम मैनेजमेंट से, समय की अच्छी व्यवस्था से हम अपने काम और अपनी पर्सनल लाइफ दोनों को चला सकते हैं। मल्टीटास्किंग क्या होता है, ये जो है एक स्किल है जिसमें हम अपनी सारे जो हमारे गुण हैं उनको इस्तेमाल करते हैं और बेस्ट यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया, टीवी देखते देखते मान लो आपको खाना बनाना है, आपके यहाँ और कोई नहीं है, आप सब्ज़ी काट लीजिए, आप प्रेस कर लीजिए, ये कर सकते हैं। ऐसे ही ऑफिस में आपके, मान लीजिए हम अभी कंप्यूटर पे बैठ के कोई काम कर रहे हैं, ऑफिस से कोई फ़ोन घर से आए तो हम उसको रोक सकते हैं और लंच टाइम में उनसे बात कर सकते हैं। ये सारी मल्टीटास्किंग की चीज़ें हैं, मैंने आपको बहुत छोटे लेवल पर बताया, कंपनी में और भी बड़े लेवल पर हमें जो जितना मल्टीटास्किंग करता है उतना उसका टाइम अच्छा जाता है और वो उतना आगे बढ़ पाता है। इसके लिए हमें क्या करना है, हम सबसे पहले ये तय करें कि हमें कौन कौन सी चीज़ें करनी हैं, फिर उनको प्रायोरिटाइज़ करें, मतलब जो सबसे ज़रूरी है उन्हें ऊपर करें और जो कम ज़रूरी है उन्हें नीचे करें। सबसे मुश्किल काम पहले कर लें, क्योंकि जब थक जाते हैं तो मुश्किल काम करने का मन नहीं करता, और सबसे कॉमन हमारा रिएक्शन क्या होता है, ये तो मुश्किल है, ये आज नहीं करूँगी, तो हमें वो ज़रूर सबसे पहले करना चाहिए। और जो काम हमने उठा लिया उसे पूरी लगन से पूरे ध्यान से करो, और अगर लंबा काम है तो बीच में ब्रेक ज़रूर लो। तो हमारे ये छोटे छोटे वीडियोस हैं, जब आपको लगता है कि आप थक गए हैं उसे रोको, छोड़ दो उसे, दोबारा से देखना। आपने काम अगर ध्यान से सुना है तो आपको एक या दो बार में ही समझ में आ जाएगा, नहीं सुना है तो ज़्यादा बार सुनना पड़ेगा। तो ये हैं हमारे सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं आपकी बुक में, लेकिन ये सारे एक बार देख ज़रूर लेना। और इसी के साथ ही ये ख़त्म होता है हमारा यूनिट, और आपको अगर ये समझ में आ गई हो डेफिनेशंस तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे मेरे को कमेंट्स में बता दो, मैं उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। हमने ये बहुत शॉर्ट में करा है और मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन ये क्योंकि बुक में है तो हमने इसे छोड़ा नहीं है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।